नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको सादी चारपाई बनाने के बारे में बताऊंगा। अगर आप ये सादी चारपाई बनाना चाहते हो तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो लाइक करें। इसको बनाने के लिए तीन रस्सी का जोड़ा चलाया जाता है। ये तीन रस्सी का जोड़ा होता है, इसको चलाया जाता है। यहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे तीन, एक दो तीन, फिर एक दो तीन, तीन तीन का तीन बार, एक दो तीन। तीन रस्सी को एक माना जाता है और तीन को, नौ रस्सी को तीन रस्सी माना जाता है। ये एक दो तीन, एक दो तीन, एक ये जीव है जो ये बीच में चार रस्सी चली है, छह रस्सी, तीन और तीन छह रस्सी चली, इसको जीव कहा जाता है। ये कहीं भी क्रैक नहीं होता है, इसको एक जैसा रखा जाता है, इसको कभी चीरा नहीं जाता है। रस्सी चलाते समय इसका ध्यान रखा जाता है। ये मैंने तीन रस्सी, इसको देखो पहले तीन, अब इसको एक आगे से लेके तीन रस्सी ऊपर, फिर यहाँ से तीन रस्सी नीचे, यहाँ से तीन ऊपर, फिर यहाँ से तीन नीचे, यहाँ से तीन ऊपर, फिर यहाँ से तीन नीचे, यहाँ से तीन ऊपर, यहाँ से तीन नीचे। अब ये जीव के पास आने के लिए हमें पहले दो उस साइड से, तो दो इस साइड से, जीव से जितनी उस साइड से ली जाती है इतनी इस साइड से ली जाती है, फिर तीन नीचे, तीन ऊपर, तीन नीचे, तीन ऊपर, तीन नीचे, तीन ऊपर, फिर तीन नीचे, और यहाँ से लेके इसको गिन के देखो। इसमें अभी तक पूरी नहीं हुई तो हम इसको चीरेंगे नहीं। और ये जो पाया है, इस पाया के नीचे से निकाल कर इसको ऊपर ले ले, और इसका जो पिछला वाला भाग है इसको वापस खींचा जाता है। अब इसके जो पीछे वाला जो ये भाग है इसको खींचा जाता है तो ये टाइट हो जाती है, और इसको इसके बीच में से वापस निकाल दिया जाता है। इसको पास खिसका दिया जाता है। पास खिसका कर ये यहाँ से ले ली जाती है, ये यहाँ से इसको एक साइड करके इसको कर दी जाती है, और फिर दोबारा स्टार्ट की जाती है। अब जो पहले जो रस्सी चलाई थी ना, उसी के साथ, उसी के तरह, उसी के साथ साथ चलाई जाती है। कोई फर्क नहीं है, जो जिस प्रकार पहली बार में चलाई थी उसी प्रकार इसको चलाना है। आप इसको उसी प्रकार चला सकते हो। मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ रखा है इसलिए मैं थोड़ा धीरे चला रहा हूँ। आप दोनों हाथों से जब बनाओगे तो आप इसको बहुत तेज़ चला सकते हो। अब वापस इसको खींच दिया जाता है, ये वापस खींची, और इसको पास पास खिसका कर चिपका दिया जाता है, और इस गट्ठे को इसके बीच में से वापस निकाल के नीचे डाल दिया जाता है। अब ये दो रस्सी हमने चला ली है एक जैसी, और तीन रस्सी एक जैसे चलानी होती है। अब ये तीन रस्सी हम एक जैसे चला रहे हैं, इसको वापस यहाँ से ले, ये जो ले ली, इसको लेकर जो जिस प्रकार पिछली दो रस्सी चलाई ना, उसी प्रकार इस रस्सी को भी चलाना है। ये उसी प्रकार इस रस्सी को चला दिया है। अब आप इसके अंदर से फिर से निकाल सकते हैं, और इसको पास खिसका कर इस रस्सी को वापस खींच लिया जाता है। अब आप देखिए तीन रस्सी एक साथ चल गई है। अब हमको थोड़ा तरीका चेंज करना होगा। तीन तीन रस्सी का तरीका चला जाती है, तीन रस्सी चलने के बाद हमें थोड़ा तरीका चेंज करना होता है, जिससे कि ये बावड़ी बनती जाती है। बीच में एक बावड़ी होती है, चारों तरफ उसकी बावड़ी बन जाती है। तो अब हमें ये यहाँ से देखना है कि रस्सी कितनी हुई है। 18 रस्सी होने के बाद उसका नोक का पात चीरा जाता है। 18 रस्सी हो जाती है ना यहाँ पे साइड में, तब इसका पात चीरा जाता है। अब आप देखिए, ये मैं गिन रहा हूँ, 9 और 9 18 हो गई है, तो हमें इसमें 9 रस्सी का पात चीरा जाता है। इसे 9 रस्सी ऊपर, फिर 9 रस्सी नीचे, 9 रस्सी ऊपर और 9 रस्सी नीचे, फिर यहाँ से तीन रस्सी उठानी, जो आगे जो तो पहले जो तीन रस्सी 9 रस्सी नीचे दबाई थी ना, उसको आगे से तीन लेकर आगे से तीन लेनी। इस बात का ध्यान रखना, पीछे से तीन नहीं लेनी है, आगे से तीन लेनी है। तो आप यहाँ से आगे से तीन ले सकते हो। ये देखो आगे से तीन ली, यहाँ से ये दबा, ये आगे से तीन रस्सी गिन के ले लो, फिर तीन ऊपर, तीन नीचे, तीन ऊपर, इस प्रकार आप ये करते जाइए। और यहाँ पे जीव के पास आने के बाद आप ध्यान रखिए, ये जीव है, इस जीव को अकेले को नीचे दबाइए, इसके साथ और कोई रस्सी नहीं, छह रस्सी को नीचे दबाइए। ये एक जीव है, इसको चीरा नहीं जाता है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं की जा सकती। और फिर ये पात चीर के आप उस पाए के नीचे से निकाल कर इस रस्सी को वापस खींचते हैं। ये उससे थोड़ी अलग चलाई जाती हैं,
एक तरह से ये पात चीर के इस प्रकार चलाई जाती है, फिर इसके अंदर से इस गट्ठे को नीचे डालकर उसी के अनुसार चलाई जाती है, जिस प्रकार पिछली रस्सी चलाई थी उसी प्रकार अब इस रस्सी को चलाना है। तीन रस्सी एक जैसी चलानी है, उसमें कोई फर्क नहीं करना है। तीन रस्सी चलने के बाद थोड़ा चेंजेस करना है, तो आप इस बात का पूरा ध्यान रखें कि तीन रस्सी पैरेलल चलाई जाती हैं, और तीन रस्सी चलने के बाद जब उसके बाद जो चौथी रस्सी आती है उसको थोड़ा चेंज किया जाता है, फिर तीन रस्सी एक जैसी चलाई जाती है, फिर चौथी रस्सी में थोड़ा चेंजेस किया जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो आपकी चारपाई में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है। ये देखो मैंने इस प्रकार इसको चला दी है। अब आप देखिए उस पाई के नीचे से निकाल कर मैंने उसको पास पास चिपका दिया है और इस रस्सी को वापस खींच लिया है। तो आप देखिए ये इस प्रकार की डिजाइन आपके सामने तैयार हो जाएगी, और ये पास पास में खिसकाने के बाद दिखने में भी ठीक दिखेगी और सादी चारपाई बन जाएगी। और मैं इसका पूरा वीडियो आगे अपलोड करूँगा।